तस्वीर दिल्ली के यमुना घाट की है। घाट के किनारे लाल कारपेट बिछाया गया, स्टेज पर दो सिंहासन लगाए गए। एक सिंहासन पर मुख्यमंत्री आतिशी का पोस्टर और दूसरे पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लगाया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना नदी की सफाई की बात करने के लिए आईटीओ घाट पर कार्यक्रम आयोजित किया। केजरीवाल और आतिशी को न्योता भिजवाया, लेकिन कोई नहीं आया। बाद में प्रदर्शन कर रहे वीरेंद्र सचदेवा चमचमाता पीला कुर्ता पहनकर यमुना नदी में उतर गए। कुछ देर रुकने के बाद यमुना को प्रणाम किया और बाहर निकला। सवाल पूछा, केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए जो रुपए दिए उसका क्या हुआ? पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए हमारी यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को दिए। क्या कि वो पैसे गएगा? जो सियासत बीजेपी की विरोधी पार्टियां गंगा की गंदगी को लेकर करती हैं, वही सियासत बीजेपी यमुना को लेकर कर रही है। जवाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरियाणा पर तीर चला दिए। यमुना के अंदर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है वो सोनीपत पानीपत से आता है, और जब जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सोनीपत पानीपत से वेस्ट बंद हो जाता है तो यमुना के अंदर अमोनिया अपने आप ठीक हो जाता है। ये बात हरियाणा सरकार भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। हर साल छठ त्योहार आने से पहले यमुना की गंदगी को लेकर इस तरह की सियासत होती है और ये आगे भी होती रहेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.